Welcome to our channel AVN Knowledge. Today we start the part of speech. Types of conjunctions, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि part of speech में जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है conjunction, जिसमें मैंने conjunctions आपको बताया. और types of conjunctions में आज जो हमारा टॉपिक है वो है subordinating conjunction. Subordinating conjunctions का means क्या होता है पहले हम वो समझते हैं. Are parts of speech that join dependent clause in independent clause, यानी कि एक जो dependent clause होगी वो एक independent clause से क्या होगी, join हुई भी होगी, उसको हम बोलेंगे subordinating conjunction. Subordinating conjunction में ये necessary है कि एक dependent clause होगी और एक independent clause होगी. जैसा कि conjunction से हमें clear है कि दो sentence को connect करने वाले sentence जो word होते हैं, phrases जो होंगे उनको हम clause बोलेंगे. और clauses में जो dependent clause और independent clauses को जो join करेगी वो subordinating conjunction कहलाएगी. ये इस कई आइडेंटिफिकेशन है कि उसको हम समझेंगे कैसे. और नेक्स्ट जो होता है वो ये होता है ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट्स और सबऑर्डिनेट क्लोज. कई बार हम इसको सबऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं और कई बार हम इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लोजेस या कंजक्शंस भी बोलते हैं. इनके दोनों नाम होंगे सबऑर्डिनेट भी और सबऑर्डिनेट भी. अब सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को हम किस तरीके से समझेंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, इससे हम इसको समझते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन द बेल रैंग माय डॉग बार्क लाउडली. यहाँ पे जो सेंटेंस है व्हेन द बेल रैंग, ये एक आपकी डिपेंडेंट क्लोज है. ये डिपेंडेंट क्लोज क्यों है, क्योंकि ये व्हेन से जुड़ी हुई है. When the bell rang, जब घंटी बजी, तो जब भी हम कोई आंसर देंगे कब क्यों कहाँ कैसे, तो यहाँ पर ये आती है डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि यहाँ पर ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ में जुड़ी हुई है. अगर यहाँ पर when नहीं होता, ओनली सेंटेंस द बेल रैंग होता, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती. बट ये when से जुड़ी हुई है इसलिए हम इसको एक बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज. और डिपेंडेंट क्लोज का मीनिंग तभी समझ में आएगा जब हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगी. माय डॉग बार्क लाउडली, तो ये एक डिपेंडेंट क्लोज है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है. नॉट नेसेसरी कि आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होंगे वो हमेशा स्टार्टिंग में भी होंगे, वो सेंटेंस के बीच में भी हो सकते हैं. और जिस सेंटेंस के साथ में होंगे वो डिपेंडेंट क्लोज बनेगी, और जिस सेंटेंस के साथ में नहीं होंगे वो इंडिपेंडेंट क्लोज बनेगी. नेक्स्ट एग्जांपल, आई टुक अम्ब्रेला बिकॉज इट वाज रेनिंग. आई टुक अम्ब्रेला दैट इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज, और बिकॉज इट वाज रेनिंग ये है आपकी डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, बिकॉज से जुड़ा हुआ है, और ये आपका एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जब भी आपका स्टार्ट होगा तो उसका मीनिंग दूसरे वाले सेंटेंस से मिला हुआ होगा. नेक्स्ट है आपका ऑल्दो इट वाज हॉट ही वाज वियरिंग ए कोट. ऑल्दो ये आपका एक सेंटेंस है जो एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज डिपेंडेंट क्लोज बनाता है. ऑल्दो जो सेंटेंस होगा उसने एक आपको डिपेंडेंट क्लोज दिया, और उसका मीनिंग समझने के लिए जो आगे सेंटेंस है वो है एक इंडिपेंडेंट क्लोज. तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज को जो वर्ड कनेक्ट करेंगे, नॉट नेसेसरी कि वो सेंटेंस के बीच में होंगे या स्टार्टिंग में होंगे, वो ही आपके क्या कहलाएंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाएंगे. नाउ यहाँ पर अब कुछ एग्जांपल हैं जिसका हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के लिए यूज़ में लेंगे. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जो वर्ड होंगे वो होंगे हमारे आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, बिकॉज, व्हेन, सिंस, रेदर, देन, दैट, वेयर एवर, वेयर इज, व्हाइल, दो, अनलेस एंड अनटिल. ये वो वर्ड हैं जो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में यूज़ करेंगे, और ये वर्ड जिस भी कंजक्शंस के साथ में या जिस भी सेंटेंस के साथ में जुड़े हुए होंगे वो हमारी कहलाएगी डिपेंडेंट क्लोज. और डिपेंडेंट क्लोज का मीनिंग अगर हमें समझना होगा तो उसके लिए हमें यूज में लेनी पड़ेगी इंडिपेंडेंट क्लोज. ये वर्ड जिस भी सेंटेंस के साथ में जुड़े हुए होंगे वो डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगी, और जिनके साथ में नहीं जुड़े हुए होंगे जो इसका मीनिंग बताएंगे वो हमारी होगी इंडिपेंडेंट क्लोजेस. ये हमारा टॉपिक था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का. अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Thank you very much.